हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं, केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर और झांसी से दो बड़ी नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है स्टाफ नर्स के लिए PRT, TGT, PGT, काउंसलर, इसके अलावा विभिन्न पदों पर यह नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दी गई है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आपको बता दें, ऑल इंडिया भर्ती है, दूसरे स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू 21 मार्च तक होने वाला है। कैसे आपका इंटरव्यू होगा, कैसे आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जल्दी से जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर और झांसी से दो नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दी गई है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर, तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय विद्यालय वायुसेना गोरखपुर, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, और एड्रेस यहाँ पे देख लो, पोस्ट कुसुमही एयरपोर्ट गोरखपुर, यहाँ से जो है यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। केंद्रीय विद्यालय वायुसेना गोरखपुर, यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, पिन कोड दिया गया है, पिन कोड आप लोग नोट कर लो 273002, ये है पिन कोड। पूरा एड्रेस देख लेना, यहीं पे जो है आपका इंटरव्यू होगा। बोला गया है कि विद्यालय के सत्र 2021 से 2022 के लिए संविदा अनुबंध के आधार पर शिक्षकों के चयन का पैनल तैयार किया जाना है। इसमें जो है शिक्षक की अनुपस्थिति या रिक्त पद होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी पद के सम्मुख अंकित दिनांक को विद्यालय में प्रातः 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद 10 बजे के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। जैसे बता दूँ PGT के लिए केमिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो PGT के लिए, तो आपका इंटरव्यू 7 मार्च को होने वाला है। आपको जो है ऊपर एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर जो है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक PGT के लिए 7 मार्च को रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण कराना होगा, और इसके 10 बजे के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा 7 मार्च को। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों PGT के लिए। और हम बात करते हैं TGT सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत के लिए 9 मार्च को इंटरव्यू होने वाला है, और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और 10 बजे के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। और प्राइमरी टीचर के लिए देखिए 13 मार्च को और 14 मार्च को जो है इंटरव्यू होने वाला है। काउंसलर के लिए 16 मार्च को इंटरव्यू होने वाला है। स्टाफ नर्स के लिए 17 मार्च को इंटरव्यू होने वाला है। योगा के लिए 18 मार्च को, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 21 मार्च को जो है इंटरव्यू होने वाला है। आप सभी को बता दें आपका सीधे इंटरव्यू होगा, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन, शैक्षिक दस्तावेजों, आधार कार्ड की मूल एवं छाया प्रति के साथ है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों करा लेना है, और आवेदन फॉर्म विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो जब आप लोग जाओगे, जैसे कि 7 मार्च को अगर आपका इंटरव्यू है, तो 7 मार्च को जब आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पर जो है आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी लेके जाना है, वहीं पे आपका फॉर्म भरा जाएगा, और 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 10 बजे के बाद जो है PGT का इंटरव्यू होने वाला है। इसी तरह से स्टाफ नर्स का जो है 17 मार्च को इंटरव्यू होगा। आपको बता दें स्टाफ नर्स में जो है GNI वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो क्वालिफिकेशन के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप लोग कोई भी वीडियो देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय का, वहाँ पे जो है मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखा है, उसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम होगा, बिल्कुल सभी के लिए सेम होगा, चाहे वह गोरखपुर के लिए हो या झांसी या लखनऊ, किसी के लिए हो, ठीक है। तो चलिए आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखा दें, बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संजय कुमार श्रीवास्तव प्राचार्य।
ऑफिशियली वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही ऑफिशियली वेबसाइट चेक कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी की गई है और यह संविदा पर भर्ती निकाली गई है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलिए झांसी के लिए देख लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय झांसी से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आप लोग देखिए यहाँ पे तो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 झांसी कैंट राणा प्रताप मार्ग झांसी कैंट पिन कोड 284001, डेट यहाँ पे 20/2/2021 रखी गई है। तो यह नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी की गई है, जो कि बोला गया है कि केंद्रीय विद्यालय झांसी की तरफ से इंटरव्यू के बेस पर यह भर्ती निकाली गई है संविदा पर 2021 से 2022 के लिए। तो PGT अंग्रेजी हिंदी गणित भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान अर्थशास्त्र भूगोल इतिहास वाणिज्य, इसका जो है यहाँ पे 9 मार्च 2021 को इंटरव्यू होगा। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो है आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 10 बजे के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद देखिए TGT के लिए अंग्रेजी हिंदी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत और PRT प्राइमरी टीचर के लिए जो कि 9 मार्च को ही इंटरव्यू होने वाला है। तो PGT TGT PRT के लिए जो है 9 मार्च को इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद देखिए नर्स डॉक्टर परामर्शदाता नर्स डॉक्टर काउंसलर आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षक खेल प्रशिक्षक योगा कोच कंप्यूटर नृत्य संगीत प्रशिक्षक 10 मार्च को इंटरव्यू होने वाला है। तो जो नर्स है या जो डॉक्टर है इनका भी 10 मार्च को इंटरव्यू होने वाला है। 10 बजे के बाद इंटरव्यू होगा और 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी की गई है। साक्षात्कार हेतु बायोडाटा फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर विधिवत भर कर फोटोग्राफ सहित आवश्यक जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है अटैच करके आप लोग जाके डायरेक्ट आपको जाना है कहाँ पे केंद्रीय विद्यालय झांसी यहाँ पे आपको जाना है और 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन कराने के 1 घंटे बाद ही आपका इंटरव्यू होने वाला है, वहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में पहले से ही वीडियो बना रखा है, आप लोग वीडियो देख लेना। मैंने जो है आगरा के लिए और लखनऊ के लिए केंद्रीय विद्यालय में क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी है, आप लोग जाके देख लेना। आपको बता दें आपका इंटरव्यू यहाँ पे डेट रखी गई है, आप लोग जाके सीधे आपका इंटरव्यू होगा। अब बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग इंटरव्यू दो। और बता दें आपको यहाँ पे जो कोई भी वैकेंसी डिटेल्स नहीं बताई गई है कि नर्स में जो है 15 वैकेंसी है, जनरल के लिए इतनी वैकेंसी है, OBC के लिए इतनी वैकेंसी है, अभी इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीधे आपका इंटरव्यू होगा और गोरखपुर झांसी आगरा लखनऊ इस तरह से जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो पल पल की ऑफिशियली अपडेट के लिए जॉब इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करिए और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।